चलिए आपको सीधे सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन वह प्रोजेक्ट उसके आगे भावी जीवन में किस रूप में उपयोगी बन सकता है, इसको जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन तीनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से आपके जीवन में आप ही आप सबको और इस समाज को भी और इस देश को भी आत्मनिर्भरता की ओर भी और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है। और इसके लिए हमारे संस्थान को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, इन सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एक नई चुनौती है आपके सामने। आपने कोरोना से सफलतापूर्वक उभरने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन करना, उसके एक पक्ष के बारे में कार्य करना और फिर उसके सफलतम क्रियान्वयन के पक्ष को भी आगे बढ़ाने का कार्य करना, और अगर आप इस दिशा में प्रयास कर सकेंगे तो सचमुच आपको अपने भावी जीवन में ज्ञान के पीछे का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को केवल सैद्धांतिक पक्ष तक सीमित न रखकर के उसका व्यवहारिक पक्ष भी आप सबके सामने दिखाई देगा। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग जनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना सप्तम दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ इस दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। यही तो जीवन की उपलब्धि है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी की आत्मा को असीम शांति की अनुभूति हो रही होगी कि उनके नाम से बने विश्वविद्यालय में पहली पीएचडी की डिग्री उनकी ग्रैंड डॉटर ने अर्जित की है। और ये मुझे लगता है कि भारत की ज्ञान की प्रवाह की परंपरा को हम सबको गौरवशाली बनाने की ओर अग्रसर करता है। मैं आज के इस अवसर पर उपाधि धारण करने वाले सभी जितने भी इस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके आचार्यों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विश्वविद्यालय उन सभी भावनाओं को जो एक अभिभावक की है, एक छात्र छात्रा की है, जो समाज की है, उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विकास, नवाचार और स्टार्टअप की इस नई संस्कृति को, भारत की परंपरागत ज्ञान की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।